और ये है एंजल बीच। नीचे पानी बिल्कुल ऐसा जैसे लहरें मार रहा हो, दोनों पत्थरों के बीच में पानी लहरें मार रहा है। दूर दूर से लोग बाली के इस बीच को देखने आते हैं। ये आइसलैंड में ही है। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से लहरें उठ उठ के आ रही हैं। सुंदर झरना भी है यहाँ पर, और ये झरना लहरों से ढक जाता है। ये देखिए सुंदर झरना जो लहरों से यूं ढक जाता है, लहरें आती हैं और सुंदर झरने को ढक जाते हैं। ऊपर से देखिए उधर सामने नहीं, वो कभी उधर चारों तरफ झरने हैं। तो ये झरने आपको प्रकृति का सौंदर्य, और ये झरने आपका चारों तरफ झरने। और ये है ब्रोकन ब्रिज। यहाँ पर सैलानी इसे देखने के लिए आते हैं। चारों तरफ समुद्र और बीच में ये देखिए टूटी हुई जगह, और इसमें से समुद्र का पानी निकलता हुआ दूसरी तरफ जाता है। चारों तरफ रुका हुआ समुद्र का पानी, और इस ब्रोकन ब्रिज से होता हुआ दूसरी तरफ चलता चला जा रहा है। इसको ब्रोकन ब्रिज कहते हैं, बाली का सुंदर ब्रोकन ब्रिज। आइसलैंड में आए हुए हैं, आइसलैंड से हमने देखा। पॉइंट्स बना रखे हैं फोटो शूट के लिए, जहाँ पर आप फोटो शूट करवाते हैं, और ये इसके लेते हैं 5K वन फोटो शूट के। और ये है कलिंगटिंग बीच। बिल्कुल कलिंगटिंग पीछे वो है, आगे शेर की तरह मुंह बना हुआ है, और पीछे इसका पूंछ टाइप में है समुद्र में। और इसी को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, दूर तक फैला हुआ समुद्र पास में है। क्लिंटिंग की प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। यहाँ पर समुद्र भी सफेद दिखाई दे रहे हैं, रंग बदला हुआ है समुद्र का। उसके आगे लाइट ब्लू और फिर पूरा ब्लू समुद्र। यहाँ पर छोटे छोटे से पेड़ों में भी इस तरीके से बहुत सारे लगे हुए हैं। ये नारियल, येलो वाले नारियल, बॉबो बीच में पहुँच चुके हैं, और ये नारियल का पेड़ पे लगा हुआ। भैया नारियल ले जा रहा है इसी पेड़ से तोड़। यही बूबी बीच है। यहाँ पर हम बूबी बीच में आए हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पर पूरा आराम से हम यहाँ पर झूला भी झूल सकते हैं।
वो बीच में। हेलो, अरे इधर देखो ना, अरे इधर देखो।